एवरीवन, टुडे वी विल डू चैप्टर 12 ऑफ क्लास 9th, विच नेम इज साउंड. वी हैव ऑलरेडी डन इट्स फर्स्ट पार्ट इन विच आई हैव मेंशन व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ साउंड इज प्रोपगेट. ओके, सो आई मस्ट से दैट यू हैव टू वॉच दिस पार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर देयर लिंक्स. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन. Today we will cover the following topics. First one is the sound needs a medium to travel, and second one is the sound waves are longitudinal waves. Okay, so first of all we understood that sound needs a medium, means sound ko zarurat hoti hai ek medium ki. Okay, in previous video we have learned that sound is traveling from kahan se कहां तक जाती है साउंड, वो हमने पढ़ा था कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वहां से जो है साउंड कहां तक पहुंचता है, लिस्नर तक पहुंचता है जहां तक उसको जाना है. तो अब उसको जाने के लिए एक वे की जरूरत होती है और वही वे क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा. तो सबसे पहले मीडियम समझते हैं. मीडियम क्या है? मीडियम इट इज अ मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू दी लिस्नर. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन करें हम किसकी, मीडियम की, कि मीडियम है क्या. इट इज अ सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड वेव इज ट्रेवलिंग और प्रोपगेटिंग फ्रॉम लिस्ट फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू लिस्नर. ठीक है, तो हमने मीडियम समझा कि मीडियम क्या है, एक सब्सटेंस और मैटर है जिसके थ्रू जो है साउंड क्या हो रहा है, साउंड वेव क्या हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक हमें क्या हो रही है, आवाज सुनाई दे रही है. तो हम यहां पे मीडियम की बात कर रहे हैं कि साउंड को जो है क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. जो हमारा टॉपिक है कि साउंड नीड्स अ मीडियम, क्या चाहिए साउंड को, एक मीडियम चाहिए. Needs a medium to travel. यहां पे मीडियम की बात की, मीडियम वाटर भी हो सकता है, एयर हो सकता है, स्टील हो सकता है. यहां पे मैंने सब्सटेंस और मैटर की बात की. इसमें आप एग्जाम्पल में जो आपका मीडियम का एग्जाम्पल है उसमें आप क्या ले सकते हो, एयर, वॉटर, स्टील एक्सेट्रा आप ले सकते हो मीडियम, मीडियम के लिए. ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि साउंड वेव्स जो है, जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. ठीक है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा हमने एग्जांपल लिया एयर, वॉटर एंड स्टील की बात की. ठीक है, तो ये हम प्रूफ कैसे करें कि साउंड को चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है ही. तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हम अंडरस्टूड कर पाएंगे कि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जार लेंगे
जो एयर टाइट होगा, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। तो हम एक जार बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमने एक यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है, ये हमारा कॉर्क हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ये हमारा जार हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, बेल जार। यहां पे हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल लिया, ठीक है, ये हमारा कॉर्क हो गया। यहां से हमने एक कनेक्शन की हुई है, एक कनेक्शन की हुई है स्विच के थ्रू, ये हमारा स्विच हो गया। किसमें कनेक्शन की हुई है, जो बेल है, बेल के अंदर हमने क्या किया, कनेक्ट किया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, बेल को, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया हुआ है, और क्या किया हुआ है, ये हमारा जो जार है वो क्या है, एयर टाइट है, और यहां से नीचे से क्या है, यहां पे एक हमने पंप लिया हुआ है, वैक्यूम पंप, एक हमने क्या लिया हुआ है, यहां से नीचे से हमने लगाया हुआ है एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, ठीक है, और हम देखेंगे कि अब क्या होगा। यहां पे पहले एयर पार्टिकल्स थे, हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच को कनेक्ट करेंगे, और स्विच को ऑन करने के बाद हमें क्या सुनाई देगी, बेल सुनाई दी, क्योंकि हमने यहां पे क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक बेल, तो हमें क्या सुनाई दिया, बेल सुनाई दिया। फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को अप्लाई करेंगे इस जार पे, जो हमारा एयर टाइट जार है, बेल जार, उस पे हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा बेल, थोड़ी देर बाद हम देखना शुरू करेंगे कि बेल पे, बेल को जब हम फिर से स्विच को प्रेस करते हैं, तो बेल का जो साउंड है उसमें क्या आएगा, फर्क आएगा। पहले जो बेल का साउंड क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा, जब हमने इनिशियली बेल को बजाई थी, और अब जो साउंड हो रहा है वो क्या होता जा रहा है, अब फैंट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हम वैक्यूम पंप को हमने अप्लाई किया हुआ है, और जो वैक्यूम पंप है वो क्या कर रही है, एयर को बाहर निकाल रही है। इसमें पहले जितने एयर थे इस जार के अंदर, अब वो क्या हो रहे हैं, एयर की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जब एयर की क्वांटिटी कम हो रही है, तो साउंड को ट्रेवलिंग के लिए जो है कोई मीडियम नहीं मिल रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे साउंड क्या होता जा रहा है, फैंट होता जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक बेल की साउंड है वो क्या हो रही है, फैंट होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि इसमें एक भी एयर पार्टिकल्स ना प्रेजेंट हो, और हमें साउंड जो है बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यही एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है हमें, कि हमारा जो साउंड है उसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवलिंग करने के लिए, और यहां पे हमने जो मीडियम लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, एयर लिया हुआ है, कि इनिशियली हमने देखा
जो एयर है हमारा, एयर पार्टिकल, वो क्या हो रहा है उस टाइम पे, है इनिशियली जार के अंदर, ठीक है, इनिशियली एयर पार्टिकल प्रेजेंट, वी विल एबल टू हियर बेल ऑफ वी विल एबल टू हियर साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, बट क्या होगा व्हेन पंप इज अप्लाइड, व्हेन वैक्यूम पंप इज अप्लाइड, तो क्या होगा जब वैक्यूम पंप अप्लाई होने लगा तो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बेल जार डिक्रीजेस, और जब ये डिक्रीज होने लगे तो क्या हुआ साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल रिड्यूस्ड। यहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं बेल को, वहां पे करंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, करंट पूरा दे रहे हैं, बट जो हमारा जार है उसके अंदर जो एयर पार्टिकल क्या हो गए हैं कम होते जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं किसको, साउंड को, किसके, इलेक्ट्रिक बेल के, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट से कोई फर्क नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पहले भी जितना था उतना ही हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं बेल, इलेक्ट्रिक बेल को, बट इलेक्ट्रिक बेल का साउंड हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है जो एयर पार्टिकल है वो क्या हो गए कम हो गए हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे एयर पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, साउंड के हैं, किसके, इलेक्ट्रिक बेल के, ठीक है। जितने एयर पार्टिकल होंगे जितना कंडेंस साउंड होगा, मीन्स कि जितने एयर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना ही कंडेंस साउंड होगा, किसका, इलेक्ट्रिक बेल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या, साउंड वेव्स, जो हमने पढ़ा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि साउंड को, साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर, तो वही हमने प्रूफ किया था कि जो हमारा साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रहा होता है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि जो हमारा साउंड है वो जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है उसको कौन सा वेव कहेंगे हम, ठीक है। तो हम अब उसकी बात करेंगे, हमने अभी मीडियम की बात कर ली, साउंड को जरूरत होती है किसकी, मीडियम की जरूरत होती है, उसके लिए हमने एग्जांपल कर लिया, ठीक है, और हमने डिफाइन कर लिया कि साउंड को क्या होती है, जरूरत होती है किसी मीडियम की, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए, ओके। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एग्जांपल कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, साउंड को साउंड वेव्स कहते हैं, और ये वेव को स्पेसिफाई करके बोला गया है कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमने देखा था कि जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है जब वो वाइब्रेट होता है तो उसके कांटेक्ट में जितने एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वहां भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है पर्टिकुलर, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल जो कॉन्टेक्ट में आया है उसके अंदर एनर्जी हो गई, उसने फोर्स अप्लाई
किस पे की अपने एडजेसेंट पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ एयर की बात कर रहे हैं, एयर में हम ये देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अलग अलग रीजन क्रिएट हो जाता है एयर में, जिस मीडियम में ये साउंड ट्रेवल कर रहा है वहां पे एक अलग अलग रीजन क्रिएट हो गया। तो एक रीजन को हमने क्या कहा था, कंप्रेशन, और दूसरे रीजन को हमने क्या कहा था, रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन था कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इसी कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा, कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन था। कहां से, फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से लेके कहां तक, फ्रॉम अप टू लिसनर तक, लिसनर तक जो ये कॉम्बिनेशन था, सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इसको हमने क्या कहा, एक वेव कहा। और वही वेव क्या था, उसको हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। और मैकेनिकल वेव का ये एक पार्ट है जिसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, कि जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हटते हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कर सकते हैं, जो स्लिंकी होता है, जो कॉइल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या करें, कॉइल को लें और ऐसे करके स्ट्रेच करें उसको, स्लिंकी बोलते हैं जो कॉइल का कॉम्बिनेशन होता है, स्प्रिंग जिसको बोलते हो आप, उसको क्या करें, हम उसको लेके और उसको स्ट्रेच करें अगर, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेच करने के बाद वो पहले सपोज दैट कि कॉइल जो हमारा ऐसे था, जो हमारा स्प्रिंग था, स्लिंकी था, वो ऐसे था, ठीक है, पहले वो ऐसे था इनिशियल में। अब क्या हुआ, जब हमने उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे क्या होगा, ऐसे आफ्टर स्ट्रेचिंग ये क्या स्लिंकी है, स्लिंकी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनिशियली जो था वो ऐसा था कॉन्फ़िगरेशन उसका, अब हमने क्या दोनों तरफ से उसको क्या किया है, स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने के बाद जब हम रिलीज करते हैं तो उसमें जो है क्या होता है, ये इस टाइप का जो है हमारा स्लिंकी बन जाता है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, तो यहां पे जब देख रहे हैं हम कि यहां पे कॉइल्स क्या है, श्रिंक हो रखे हैं, मीन्स कि बहुत सारे कॉइल्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो कॉइल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दूर दूर, डिफरेंट डिफरेंट अपार्ट दिखाई दे रहे हैं हमें, और यहाँ पे फिर से क्लोज दिखाई दे रहे हैं, फिर अपार्ट दिखा रहे हैं, फिर क्लोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉइल्स आर क्लोज, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा कॉइल्स है वो क्या हो रहा है, अपार्ट है, कॉइल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्रिएट किया, एक जो है जो कॉइल जो है क्लोज है आपस में, वो वहां पे क्या दिखा दे रहे हैं, वो हमें एक शो कर रहे हैं कि ये क्या क्रिएट कर रहा है, कौन सा रीजन, कंप्रेशन। और यहां जहां भी जो कॉइल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, तो वो जो रीजन होगा वो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर ये कंप्रेशन बन गया, ये रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया,
तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था वो साउंड वेव्स में देखा था कि जो वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या होगा, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, कंटिन्यूअस वेव लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। कब तक? जहां तक लिसनर तक के साउंड पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो वो जो वेव होगा वही वेव क्या कहलाएगा हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहलाता है वो? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है, क्योंकि यहां जो हम देख रहे हैं जो साउंड की बात कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, जो हम डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं, वो डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, वो ऐसे मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे जो हमारा प्रोपगेट हो रहा है जो डिस्टरबेंस, वो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और जो पार्टिकल में जो मोशन आ रहा है, पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है वो कैसे हो रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो हो रही है पार्टिकल्स के अंदर जो वाइब्रेशन है, और जो प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, इस टाइप का जो वेव फॉर्म होता है जिसमें क्या हो, जो पार्टिकल्स हो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो उस टाइप का जो हमारा वेव बनेगा वो क्या होगा, साउंड वेव कहलाएगा। यहाँ पे साउंड वेव हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा गया साउंड को, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रेवलिंग होती है साउंड की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल में जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है टू एंड फ्रो, ठीक है। जो पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। पार्टिकल मोशन क्या हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मोशन इन पार्टिकल, मोशन इन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो। मीन्स कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और ऑसिलेट और पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फोर्थ एट इट्स रेस्ट पोजिशन। अपने रेस्ट पोजिशन पे क्या कर रहे हैं, वो बस क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है उनकी वो क्या है, टू एंड फोर्थ है, मीन्स कि ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम जो देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वो क्या होगा, वो इस तरह से हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। यहां पे जो डायरेक्शन है किसका, प्रोपगेशन जो हो रही है जिस साइड में जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है मीडियम में प्रेजेंट वो क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन सेम है दोनों की,
तो इसलिए जो यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस होगा वो वेव क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, ठीक है। और ये साउंड वेव में इसी तरीके से मोशन होता है, इसलिए जो साउंड का जो वेव होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज द नेचर ऑफ साउंड प्रोपगेशन एंड इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या कहलाया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाया। क्यों कहलाया, क्योंकि हमने यहां पे देखा जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, साउंड की डायरेक्शन, और जो हमारा पार्टिकल है ये हमारा क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, जो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट इन मीडियम उसकी डायरेक्शन, और यहां पे ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हम देख रहे हैं दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल इन नेचर है, ठीक है। तो वो हमारा क्या क्रिएट करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो हम इनको बोल सकते हैं जो साउंड है वो कैसे क्रिएट, कैसे मूव कर रहा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कौन, साउंड, ठीक है। अब यहां पे हम एक डिफरेंस कर लेते हैं, क्या करेंगे डिफरेंस हम, पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा साउंड है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा, अभी हमने समझ लिया, अब हम उसे लिख भी लें कि क्यों कहा, क्योंकि साउंड इज ट्रेवलिंग और प्रोपगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एंड साउंड इज ट्रेवलिंग और प्रोपगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ओके, एंड दिस सीरीज इज कंटिन्यूअस एंड दिस सीरीज is continuous from vibrating object to कहां से कहां तक, to listener in the form of disturbance, किस फॉर्म में, डिस्टरबेंस की फॉर्म में, मतलब कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस में क्या हो रहा है, वो लिसनर तक पहुंचता है कहां से, वाइब्रेटिंग से, और ये क्या क्रिएट करते हैं, एक वेव क्रिएट करते हैं, एंड दिस विल रिजल्ट अ वेव एंड दिस विल रिजल्ट a wave like structure, a continuous wave like structure and
wave is longitudinal wave. ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा वेव बनाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता है. बिकॉज क्यों बनाता है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, यहां पे समझ लो आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ किसका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव ऑफ साउंड इज सेम इन द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल्स ऑफ medium oscillate to and forth. क्या होता है ये? जो साउंड की डायरेक्शन है, जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है, वो क्या होती है? सेम होती है. कैसे सेम होती है? जो डायरेक्शन है किसका? प्रोपगेशन का, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है मोशन का, और जो साउंड का जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, वो दोनों क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे. ठीक है. सो और दस दिस इज दस साउंड इज कॉल्ड लॉन्गी longitudinal wave. क्योंकि जो longitudinal wave होता है उसकी एक खासियत होती है. ठीक है. क्या होती है खासियत? कि जो उसका जो उसके अंदर जो particles जो travel कर रहे हैं medium के अंदर, वो to and fro move करेंगे in the direction of the propagation of the sound. जिस direction में sound travel कर रहा है उसी direction में वो क्या करेंगे? या तो to and fro motion में रहेंगे या फिर oscillate करेंगे. ठीक है, same direction में. ठीक है. तो इसलिए ये क्या हुआ? साउंड वेव को हमने क्या कहा? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा. ठीक है. अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं. ठीक है. जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो क्या होता है उसको हम करेंगे. वो कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव से, तो उसको देखते हैं हम. लॉन्गिट्यूडनल में हमने बात क्या की? जो डायरेक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. जो डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो क्या होगा? वो क्या है? जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें मीडियम में, उसका जो क्या है, उसका जो डायरेक्शन है टू एंड फ्लो हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है वो टू एंड फ्लो. और जो डायरेक्शन है किसका? जो हमारा प्रोपगेशन हो रहा है साउंड का, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होंगे? एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे, मीन्स कि पैरेलल होंगे. ठीक है. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम is parallel to the direction of propagation of sound wave. propagation of sound. क्या हो रहा है इसमें? जो direction है, जिस डायरेक्शन में साउंड क्या हो रही है? प्रोपगेट हो रही है. और जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स जो है
वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो उस टाइप का जो वेव होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा हमारा, और जिसमें ट्रांसवर्स वेव, ये क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वो क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, मीन्स कि अप एंड डाउन मूव करते हैं, मीन्स यहां पे पार्टिकल कैसे मूव कर रहे थे, टू एंड फ्रू, और यहां पे जो पार्टिकल मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम इज अप एंड डाउन, मीन्स अप एंड डाउन टू द मीन पोजिशन means perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो वेव है, ठीक है, जो कोई वेव है उसमें ये मीन पोजीशन हो गया उसका, ये मीन पोजीशन हो गया, और ये मीन पोजीशन हो गया इसमें, और क्या हो रहा है, हमारा जो है जो वेव ट्रेवल कर रहा है उस टाइम पे मीन पोजीशन से क्या होगा, इसका वेव जो हमारा इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, प्रोपगेशन जो हो रही है हमारी, प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या हो रहा है, प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट मीडियम में वो कैसे कर रहे हैं, ऑसिलेट कैसे कर रहे हैं, टू एंड ये कर रहे हैं हमारे परपेंडिकुलरली, मीन्स की अप एंड डाउन जो वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, मीन्स की वेव का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे हो रहा है, और जो हमारा पार्टिकल का डायरेक्शन है वो कैसे हो रहा है, वो हमारा टू एंड परपेंडिकुलर जा रहा है, मीन्स की अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। तो इस टाइप का जो हमारा वेव होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव, मीन्स की यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है हमारी, ये हो गई पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसकी डायरेक्शन, पार्टिकल जो हमारा पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन हो गई ये, और ये डायरेक्शन किसकी होगी, जो हमारा वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन होगी, प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, या तो अप जाए या फिर डाउन जाए, तो ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन से जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, उससे क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहां पे, मीन्स इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किससे, जो डायरेक्शन है वेव का, जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है, जो उसका प्रोपोगेशन है, तो उससे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे थे, वहां पे क्या बात कर रहे थे कि पैरेलल होती हैं, मीन्स कि ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसका, टू एंड फ्रो का डायरेक्शन है किसका, पार्टिकल का डायरेक्शन
पार्टिकल पार्टिकल और उसी की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जो है ये क्या हो रहा है, पर पैरेलल डायरेक्शन में जो हमारा जो है क्या मूव कर रहा है, जो साउंड वेव है वो क्या हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जब जो वेव का जो डायरेक्शन है और जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो, सेम पैरेलल बना रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या बना हमारा, वो हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जिस वेव में क्या हो, वेव का जो डायरेक्शन हो रहा है और जो उसके अंदर पार्टिकल जो प्रेजेंट है उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, तो वो वाला जो वेव क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगा, वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया आज, कि साउंड को जो है जरूरत होती है एक मीडियम की, ये हमने जाना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और हमने क्या किया, साउंड को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है उसके अंदर और जो उसका मोशन का डायरेक्शन है वेव का वो क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हमने उसको क्या कहा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा। यहाँ पे हमने एक और वेव की बात की जो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें क्या होता है, जो वेव का जो डायरेक्शन हो रहा है और जो पार्टिकल उसके अंदर मोशन में है उनका जो डायरेक्शन है वो क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसको हमने क्या कहा, ट्रांसवर्स वेव कहा। सो टुडे वी हैव एंडेड दिस सेशन, ओके, सो आई थिंक यू हैव लर्न्ड, सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।